मैं आ चुका हूँ अपने नानी घर। देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ इधर और पेड़ है, अमरूद का पेड़ है पीछे। उतर चुके हैं बड़ौनी जंक्शन स्टेशन। ट्रेन इतना लेट हो गया है कि क्या ही बोले, 7 बजे का टाइम और पहुँचे 2:30 बजे। तो आएंगे ऑटो या टोटो पकड़ने, तो चलिए चलते हैं। तो अभी जा रहे हैं मैं और मेरा मम्मी आए हैं। देख सकते हैं बड़ौनी जंक्शन स्टेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ से ऑटो या टोटो जो मिलता है देखते हैं। तो जाएंगे 13 बजे। तो आज के ब्लॉग में बने रही, अब जो लोग मेरा पुराना ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो ब्लॉग को देखेंगे, काफ़ी अच्छा ब्लॉग बना है। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा स्टेशन का ब्लॉग है, पुराने ब्लॉग है, प्लीज़ वो ब्लॉग को देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। तो ऑटो में बैठ चुके हैं, देख सकते हैं काफ़ी नींद आ रहा है मेरी मम्मी। ट्रेन इतना लेट था कि क्या बोले। मैं आ चुका हूँ अपने नानी घर, देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ। काफ़ी सालों के बाद आए हैं, ये मेरे बड़े मामा का लड़का है भैया। कुछ बोल दीजिए वीडियो में, आप कैसे हैं? ठीक है, आई हमें फुआ का लड़का है, बंगाल से आया है बिहार घूमने के लिए आया है। यहाँ करीब 6-7 साल के बाद आए हैं, यहाँ पास पूरा चेंज हो चुका है। चलिए यहाँ अंदर का घर दिखाते हैं कैसा है आप सबको। यहाँ बाहर से तो देख लें, चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पास पूजा घर है यहाँ पास, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पास गेट देख सकते, इधर देख सकते हैं पेड़ लगा हुआ है झींगा का, ये देख सकते खुला हुआ है खपड़ा, यहाँ पास था नहीं है, यहाँ पास फूट गया है। देख सकते इधर किचन है, इधर एक घर है पीछे, और इधर और आगे जाएंगे तो देख सकते इधर और पेड़ है, अमरूद का पेड़ है पीछे। यहाँ पास देख सकते नल है, यहाँ पास मैं करीब 2:30 बजे आया था, 3 बजे तो वहाँ मैंने नहा लिया हूँ, खाना खा लिया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके अभी वीडियो बना रहे थे, क्योंकि ट्रेन इतना लेट था कि आते टाइम वीडियो शूट नहीं किए ज़्यादा, खाना वाना खाए उसका शूट नहीं किए, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद शूट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी होगा क्या व्लॉग में दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक।